इनिक्विटी में ये आपका लास्ट टॉपिक आता है, रेशनल इनिक्विटी। वैसे तो हमको इरेशनल इनिक्विटी भी पढ़ना है, बट इरेशनल इनिक्विटी में क्या है कि वो आपके नॉर्मल सिलेबस में आता नहीं है, कभी कभार उसका इस्तेमाल होता है और हायर ऑर्डर के इनिक्विटीज स्टडी करने के लिए उसका काम पड़ता है आपको। तो लेकिन रेशनल इनिक्विटी का इस्तेमाल इन जनरल सब जगह होता है और काम पड़ता है, इसलिए हम लोग रेशनल इनिक्विटी पे जोड़ देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, रेशनल इनिक्विटी में मान लेते हैं कोई फंक्शन है एफ एक्स दिया हुआ है, इसका एक सिंपल रूल है, उसको आपको समझ जाएंगे तो आपको जो है सो इनिक्विटी सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और फंक्शन के दृष्टिकोण से ये जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। एफ एक्स जो है आपका मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स माइनस ए वन पावर में दिया हुआ है के वन, एक्स माइनस ए टू पावर में दिया हुआ है के टू एंड सो ऑन, एक्स माइनस ए टू ए एन पावर में दिया हुआ है के एन। यहां देखिए एक फैक्टर है एक्स माइनस एक्स ए वन, इस फैक्टर को कितने बार मल्टीपल किया गया है तो के वन बार, के वन टाइम्स किया गया है, तभी तो पावर के वन है। यानी ये हुआ यहां पे, अब यहां पे आपको ये जानना पड़ेगा कि के वन के टू के थ्री के एन ये सब जो है ऑड है या इवन है। यदि ऑड होगा तो जो पॉइंट ये फैक्टर देगा आपका, जिस जो ये फैक्टर है, यदि ऑड टाइम्स ये मान लीजिए कि ये प्रेजेंट हो रहा है फंक्शन में, इसका मतलब हुआ कि ये जो है तो साइन चेंज कर रहा है इस पॉइंट पे, और यदि इवन टाइम्स वो होगा तो साइन चेंज नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम लोग हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, फाइंड द पॉइंट्स बाय पुटिंग ईच फैक्टर इक्वल्स टू जीरो, दैट इज एक्स माइनस ए वन, बराबर जीरो पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए वन आ जाएगा, एक्स माइनस ए टू बराबर जीरो पुट कर देंगे तो एक्स बराबर हमको ए टू आ जाएगा एंड सो ऑन, एक्स माइनस ए एन जो है पुट करेंगे जीरो तो एक्स कितना आ जाएगा हमको एन आ जाएगा। प्लॉट सेकेंड स्टेप में है, प्लॉट ऑन नंबर लाइन, जैसे आपका देखिए नंबर लाइन पे हमने प्लॉट कर दिया ए वन को ए टू को ए थ्री को एंड डॉट 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 ए एन को प्लॉट कर दिया। अब देखिए इसमें जो है आपका ए एन जो है सबसे बड़ा फैक्टर है, इसमें आपका जो है सबसे छोटा हम लोग कंसिडर करेंगे, यहां पे लेट ए वन से ए टू बड़ा है, ए थ्री उससे भी बड़ा है और ए एन सबसे बड़ा ऑर्डर है। ये आपका जो है सो आपका ये जो वैल्यूज है ए वन ए टू ए थ्री ए एन, इसको हम लोग क्या करेंगे एसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे, यहां पे आपका एसेंडिंग ऑर्डर में, एसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा देंगे हम। अब असेंडिंग ऑर्डर में सजाने से क्या होगा कि ये आपका लास्ट में ए एन जो हो गया वो सबसे बड़ा जो है सो मान लीजिए उसका फैक्टर को हो गया वैल्यू। अब इससे बड़ा वैल्यू लेंगे एफ एक्स का, एफ एक्स जो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब देखिए एफ एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, एफ एक्स में ए एन से बड़ा कोई वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमको पॉजिटिव आ जाएगा, ये आ गया पॉजिटिव। अब ए एन का पावर देखेंगे के एन क्या है, ऑड है या इवन है, यदि वो ऑड होगा तो यहां पे आपका माइनस साइन आ जाएगा, यदि के एन इवन होगा तो यहां पे प्लस साइन आ जाएगा, इवन के केस में और ये ऑड केस में, और यही नियम सब जगह चलता रहेगा। ठीक है, इसको आप बाय थ्योरी जो है सो इस चीज को समझ सकते हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन से समझाएंगे उसको और अच्छा लगेगा, इसको जो है राइट डाउन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखते हैं इस पे जो है सो इनिक्विटी के रेशनल फंक्शन में कैसे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं हम लोग एफएक्स, एफएक्स मान लिया हमने, अब एफ एक्स जो है इतना हो गया तो इसका इस फैक्टर को जीरो करेंगे, पुट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इससे क्या हो जाएगा एक्स बराबर वन, एक्स माइनस टू बराबर जीरो तो इससे क्या हो जाएगा एक्स बराबर टू। अब इसमें जो है सो आपका
थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको, इसलिए कि यहाँ पे जो है ये फैक्टर के फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे आपको जो है x माइनस वन इंटू एफ, ये जो है इसको चेंज करेंगे 2x माइनस वन, ये ग्रेटर हो जाएगा लेस देन। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जो दोनों साइड से माइनस वन से गुणा कर दिया हमने, माइनस वन से गुणा करने से क्या हो गया, एक्स पहले आ गया और उसका वैल्यू जो है बाद में आ गया, उससे क्या हो गया कि हमारा ये सीक्वेंस जो है बैठ जाएगा एक पैटर्न पे और हमारा थर्ड पॉइंट जो निकल जाएगा इसमें 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एक्स पावर हाफ। अब ये तीनों पॉइंट क्या करेंगे, प्लॉट कर देते हैं यहां नंबर लाइन पे। पहला पॉइंट क्या हो गया, वन हो गया, दूसरा क्या हो गया, टू हो गया, तीसरा क्या हो गया, हाफ हो गया। अब दो से बड़ा कोई वैल्यू ले लीजिए, मान लेते हैं हम पांच ले लेंगे, तो पांच यदि लेते हैं हम यहाँ पे एफएक्स में डालते हैं तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। और दो से छोटा जब डालेंगे तो ये आपका जो है सो दो कहां से निकला है, यहां से निकला है, इसका पावर कितना है, वन है, यानी ऑड है, तो ये आपका साइन चेंज करेगा, ठीक है कि नहीं। अब वन के बाद जो है सो क्या है, यहाँ पे वन आया है कहाँ पे, इसका पावर कितना है, वन है, यानी ये भी साइन चेंज करेगा, यहाँ नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अभी हाफ इसमें से आया हुआ हमको है, इसमें भी पावर वन है, ये भी आपको साइन चेंज करेगा, यानी सारे के सारे साइन चेंज करेंगे, यहां लिखेंगे हम साइन इज क्यूब। अब हमको निकालना वैल्यू किसका, लेस देन जीरो का, यानी जहां जहां निगेटिव हो रहा है, ये पॉइंट निगेटिव हो रहा है, ये पार्ट निगेटिव हो रहा है, इसको आप इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं, जहां जहां आपका जो है सो निगेटिव हो रहा है वो सब पॉइंट को चूज करना है, यानी एक्स एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी से हाफ यूनियन वन से टू, ये आपका इसका आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में चलते हैं, इस क्वेश्चन में सोल्यूशन देखेंगे, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ये एक्सप्रेशन जो है इस एक्सप्रेशन के बराबर है, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज है, तो हम लोग लास्ट में उसको यहाँ सम करेंगे। इसमें इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो है सो पुट करेंगे x बराबर जीरो, इससे एक पॉइंट निकल गया मेरा, दूसरा क्या है x प्लस टू इज इक्वल टू, हर एक फैक्टर को जीरो पुट करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं सारे हमको, इसके बाद जो है एक्स बराबर जीरो पुट कर दिया, एक्स प्लस टू इज टू जीरो पुट करने से क्या पॉइंट निकल गया हमको, एक्स बराबर माइनस टू निकल गया, इसको पुट कीजिए एक्स माइनस वन इज टू जीरो, इससे एक्स कितना निकल गया, वन निकल गया, टू एक्स माइनस थ्री देखा यहाँ पे, टू एक्स माइनस थ्री इज टू जीरो पुट करने से एक्स बराबर थ्री बाय टू आ गया। अब एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो पुट करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, एक्स इज टू थ्री आ जाएगा। अब ये सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्कीम शो करेंगे नंबर लाइन पे, यहाँ सारे पॉइंट को दिखाइए, यहाँ पहला पॉइंट कितना आ गया, माइनस टू आ गया, इसके बाद क्या क्या आ गया पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट जीरो आ गया, जीरो आ गया, फिर वन आ गया, फिर थ्री बाय टू आ गया, फिर थ्री आ गया। अब थ्री से बड़ा कोई पॉइंट डालेंगे, मान लीजिए फाइव डालते हैं, तो फाइव डालेंगे ये एक्सप्रेशन जो है सो आपको पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आपका प्लस साइन हो जाएगा। इसके बाद अब थ्री का पावर देखिए, ये क्या है, इवन है। इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा, इस क्वेश्चन से ही सारा आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा ही, और इसी क्वेश्चन में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका कि कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं इसमें। एक्स माइनस थ्री जो है मान लीजिए थ्री का से आपका पॉइंट आया हुआ थ्री है, अब थ्री जिस फैक्टर से आया हुआ है उसका पावर क्या है, फोर है, तो फोर इवन है, इसका मतलब हुआ इसके दोनों साइड में मतलब साइन जो है सेम होना चाहिए, यानी ये भी पॉजिटिव ही होगा। थ्री बाय टू, थ्री बाय टू इससे आया है, इसका पावर कितना है, वन है, यानी ऑड है, यानी ये निगेटिव हो जाएगा, दोनों साइड साइन इसका चेंज हो जाएगा। अब वन, वन कहां से आया हुआ है, इससे आया, इसका भी आपको साइन चेंज हो जाएगा चूंकि पावर इसका ऑड है। जीरो कहां से आया, इससे आया, इसका पावर कितना है, वन है, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। माइनस टू किससे आया है, टू से आया, इसका साइन चेंज नहीं होगा। यदि मान लीजिए इसका हमको ग्राफ जो है सो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके निगेटिव जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव चला गया, ये फिर निगेटिव चला गया,
ये फिर पॉजिटिव चला गया, लेकिन यहां पे जो है फिर ये ऐसे ग्राफ इसका बनता है। दिस इज द ग्राफ फॉर दिस फंक्शन। अब इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए आप, एक्स एक्सिस मान लेंगे तो इसी हिसाब से इसका ग्राफ बनेगा आपका। देखिए यहां पे एक्स जो है इसमें नंबर दो, दो नंबर यदि लिखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहां से कहां तक है? इसमें है, यानी कि एक्स एलिमेंट ऑफ जीरो पे ये जीरो होगा, जीरो से लेकर के वन के बीच में यूनियन, फिर थ्री बाय टू से लेकर के थ्री के बीच में, थ्री बाय टू से लेकर के थ्री के बीच में, ये आपका जो है पॉजिटिव हुआ। और फिर थ्री से लेकर के इन्फिनिटी तक, थ्री से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये आपका सपोज दैट इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। अब तीसरा नंबर जो है आपका, इसका लेस देन हुआ है, लेस देन कहां कहां है देखिए, एक्स एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस टू है, माइनस टू तक है यूनियन, फिर माइनस टू से लेकर के जीरो तक जाएगा, जीरो भी शामिल हो जाएगा इसमें, फिर यूनियन वन से लेकर के थ्री बाय टू तक जाएगा, और फिर नेगेटिव कहीं नहीं है। ये आपका हो गया इसका आंसर। यदि मान लीजिए पॉजिटिव साइड पर रहता है तो एक साइड और ये दो, ये तीन साइड पॉजिटिव आपका है, तीन में, और नेगेटिव एक दो तीन, तीन जो है इंटरवल में नेगेटिव भी है। इस सारे इंटरवल को यूनियन कर दिया, इस सारे इंटरवल को यूनियन कर दिया, इस ढंग से आपका जो है ये इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा। तो देखेंगे कि जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, इसमें आप जो है मान लो देखेंगे x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू माइनस, इसको शिफ्ट कर देंगे उस साइड में, टू एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे x प्लस टू इंटू फोर एक्स माइनस वन, ये इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एट एक्स, तो माइनस 9x प्लस टू, देखिए इसको इसको गुना करना पड़ेगा तो 4x स्क्वायर आ गया, x से इसको गुना करेंगे तो माइनस वन एक्स होगा, अब माइनस एट होगा, तो माइनस एट और माइनस एक्स तो माइनस नाइन एक्स, और माइनस टू माइनस वन तो प्लस टू हो जाएगा, ये माइनस इसको इससे गुना करना पड़ेगा तो टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर हो गया, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टू इंटू टू फोर, आईएस बना करेंगे माइनस थ्री, तो ये आ गया प्लस एक्स, अब माइनस कितना हो जाएगा सिक्स ग्रेटर देन जीरो, इसको इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन या माइनस वन, तो माइनस टेन एक्स, टू और प्लस सिक्स तो प्लस एट अपॉन कितना हो जाएगा एक्स प्लस टू इंटू फोर एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। इसके बाद इससे हम टू निकाल लें यदि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस टू इंटू फोर एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, इसको क्या किया टू से कॉमन करके यार टू ट्रांसफर कर दी, इधर टू से ट्रांसफर भाग या फिर डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो खत्म हो जाएगा जीरो साथ में होने करके। अब जो है ये आप डिवाइड करेंगे तो फोर प्लस वन फाइव, एक्स माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू फोर एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पुट x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, इससे क्या निकल गया x इज इक्वल टू फोर निकल गया, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इससे क्या निकल गया x इज इक्वल टू वन निकल गया, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स क्या निकल गया माइनस टू निकल गया, फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स कितना निकल गया वन बाय फोर निकल गया। अब इसको जो है सो नंबर लाइन पे हम लोग दिखाएंगे, यहां पे माइनस टू हो गया, वन बाय फोर हो गया, इसके बाद वन हो गया, इसके बाद फोर हो गया। अब फोर से बड़ा इसमें जो है आपका एक्सप्रेशन यही ना हो गया, ये रेशनल फंक्शन मेरा हो गया,
इसी का साइनस क्यों निकालना है? तो चार से बड़ा कोई भी अंग इसमें डाल देंगे, पांच डाल देते हैं मान लेते हैं, वहां पांच डाल देते हैं, पांच माइनस चार एक हुआ पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी ये हो गया पॉजिटिव। और चार जो है जहां से निकला उसका पावर क्या है? वन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। वन कहां से निकला, इसका पावर कितना है? वन है, यानी यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा। वन बाय फोर कहां से निकला, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। माइनस टू कहां से निकला, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन जीरो कहां कहां आ रहा है? एक तो मेरा यहां आ गया, इसके बाद यहां आ गया, इसके बाद यहां आ गया। इसका मतलब इसका आंसर जो हो गया कितना हो गया, एक्स एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन वन बाय फोर वन, आपका क्या हो गया माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, ये माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, वन बाय फोर से वन तक, वन बाय फोर से वन तक, और फोर से इंफिनिटी तक, तो फोर से इंफिनिटी तक, ये आपका जो है इसका हो गया आपका जो है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, सॉल्यूशन जो है दो नंबर का, इसमें जो है डिसाइड करना है एक्स ग्रेटर देन वन माइनस एक्स फॉर डिफिनेशन। यहां पे हर एक टर्म डिफाइंड होने के लिए कंडीशन देखना पड़ेगा ना, इसमें डिफाइंड करने के लिए वन माइनस एक्स जो है सो जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यदि निगेटिव हो जाएगा तो वन डिफाइंड हो जाएगा, तो वन माइनस एक्स यदि जीरो से बड़ा है तो एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू वन, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन माइनस एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। अब जो है सबसे पहले ये ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, इसके लिए कंडीशन निकालना पड़ेगा। इसका कंडीशन जो है ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका जो है इसमें ऑलरेडी ए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आपका जो है इसका डिस्क्रिमिनेंट यदि नेगेटिव आ गया तो ये कंप्लीटली ऊपर चला जाएगा, सब तो सब सब एक्स के लिए वैल्यू ये बराबर हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यदि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो, लेकिन यदि पॉजिटिव आ गया तो, जीरो आ गया तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन, ये तो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है ऐसे मूव नहीं करके ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताया गया है कि ये चूंकि वन पॉजिटिव है, यहां पे इसका कॉफिशियंट एक्स स्क्वायर है कितना है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है सो ये दो जगह कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को काटेगा, कहां कहां काटेगा, एक तो अल्फा पर काटेगा, दूसरा बीटा पे काटेगा। तो सबसे पहले इसका अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक्स बराबर इसका रूट्स निकालना पड़ेगा हमको। रूट्स कैसे निकालेंगे, एक्स बराबर माइनस बी, यानी कि माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन अपॉन टू इंटू वन, यानी माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर फाइव बाय टू, यानी कि यहां पे दैट इम्प्लाइज अल्फा जो हो गया आपका वो माइनस वन माइनस रूट फाइव बाय टू हो जाएगा, और बीटा जो हो जाएगा माइनस वन प्लस रूट फाइव बाय टू हो जाएगा। और इसमें जो है एक्स आपका एलिमेंट किसका हो जाएगा जी, माइनस इंफिनिटी, अल्फा से छोटा और बीटा से बड़ा, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन माइनस रूट अंडर फाइव बाय टू, ठीक है कि नहीं। और यूनियन जो है माइनस वन प्लस रूट अंडर फाइव बाय टू से इंफिनिटी तक, ये आपका हो गया कंडीशन नंबर टू, ठीक है कि नहीं। अब एक नंबर से और दो नंबर से, फ्रॉम वन एंड टू एक्स एलिमेंट ऑफ क्या होगा, ये इससे बड़ा है और वन से छोटा है, इसका मतलब हुआ माइनस वन प्लस अंडर रूट बाय टू से वन तक, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं।
देखा अभी आपने ये थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे जो है सो आपका सोल्यूशन इसका है पुट फर्स्ट फैक्टर जो है एक्स है जीरो पुट कर दिया उससे दूसरा फैक्टर क्या है टू पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो टू पावर एक्स माइनस इज इक्वल टू वन यानी कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे इसमें तभी ये वैल्यू वन आएगा कि नहीं आएगा और कोई दूसरा वैल्यू पुट करेंगे तो कभी वन आएगा कि नहीं आएगा यानी कि एक्स बराबर जीरो जो है यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है इसका बाद थ्री टू पावर एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे थ्री टू पावर एक्स इज इक्वल टू नाइन मतलब हुआ थ्री का स्क्वायर इसका मतलब ये हो गया एक्स इज इक्वल टू टू इसके बाद एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा यहां पर हम लोग क्या करेंगे साइन स्कीम निकालते हैं सबसे पहले कितना आया जीरो आया जीरो जो है सो इसको बोलते हैं हम लोग स्टार पॉइंट जो है सो मान लीजिए क्या हो गया कि आपका जो है सो डबल पॉइंट इसको बोलते हैं डबल पॉइंट बोलते हैं कि डबल दोनों साइड जो है साइन सेम रहता है इसके बाद पॉइंट टू आया थ्री से बड़ा कोई वैल्यू पुट कर देंगे इसमें ये पॉजिटिव ही आएगा ठीक है कि नहीं थ्री जो है आया है ऑड से तो ये निगेटिव हो जाएगा इसके बाद टू आया है कहां से टू भी आया है आपका ऑड से यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा लेकिन जीरो कहां से आया है देखिए जीरो दो फैक्टर से आया हुआ है अब समझने वाली बात यहां ये है कि जीरो जो है यहां एक एक्स से आया हुआ है अब आप बोलिए ऐसा पावर तो वन है लेकिन यहां टू पावर एक्स माइनस वन से भी तो जीरो आया हुआ है एक्स बराबर जीरो है ना तो ये एक्स बराबर जीरो दो बार आया हुआ है यानी कि उसको जो है सो मल्टीप्लिसिटी देखेंगे उसका तो कितने बार हो गया जाएगा दो हो जाएगा वो इवन है इसीलिए यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा दोनों साइड में सेम हो जाएगा अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं माइनस डाल करके क्योंकि उसको लगता है कि एक्स से जीरो आया हुआ है तो यहाँ एक डाल दिया माइनस हो जाएगा यहाँ पे आप जब चेक करेंगे निगेटिव के लिए निगेटिव कहाँ कहाँ है तो दो से तीन के बीच में सिर्फ निगेटिव है बाकी सब जगह पॉजिटिव ही है एक्स एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा इसका टू एंड थ्री हो जाएगा इसका आंसर अब इसमें चेक करेंगे सोल्यूशन दिया हुआ कि ये रेशनल फंक्शन जो है आपका ये आपका जो है सो पांच से छोटा हुआ है छोटा है एक्स के सारे वैल्यूज के लिए रियल वैल्यूज के लिए आप बोल रहा है कि बताइए एम का वैल्यू कितना होगा तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना पड़ेगा हमको तो इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए ही है फोर इस टर्म को हम पहले जानेंगे इसका वैल्यू जो होगा इसका ए जो है तो कितना है जी वन है यानी पॉजिटिव है और डी कितना है तो बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू सी ये निगेटिव हो जाएगा जब ए पॉजिटिव हो जाएगा डी निगेटिव हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया ये जो है सो हमेशा क्या हो जाएगा ए पॉजिटिव और डी निगेटिव का मतलब हुआ कि लेफ्ट एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को छोड़कर या तो ऊपर चला गया हो या फिर नीचे चला जाएगा वो यदि ए पॉजिटिव हुआ तो ऊपर गया मतलब कनकेव अब ग्राफ है और ये जो है आपका इसका वैल्यू फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर ये पॉजिटिव हो गया आपका जब ये पॉजिटिव हो गया और ये जानकारी आपको हो जाएगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं तो इसके लिए हम दैट इज एम एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर लेस देन कितना हो जाएगा इसको इससे गुणा कर दीजिए फाइव एक्स स्क्वायर और प्लस टेन एक्स इसके बाद प्लस टेन हो जाएगा ये हो जाएगा m माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स और माइनस सिक्स लेस देन जीरो अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और लेस देन जीरो है इसका मतलब क्या हुआ इसका a जो होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए और d जो होना चाहिए वो भी निगेटिव होना चाहिए यहां पे मैं एक बार पहले इसको लिख दूं फिर आपको मैं a निगेटिव d निगेटिव मतलब क्या हुआ एक्सप्रेशन निगेटिव दिया हुआ यानी a निगेटिव और d निगेटिव होगा a में क्या है f m माइनस फाइव निगेटिव हो गया अब d निकालिए इसका तो ये हो जाएगा माइनस सेवन का बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए होगा कितना इसमें
एम माइनस फाइव इंटू सी हो गया माइनस सिक्स लेस देन जीरो, ये कितना हो जाएगा एम जो है सो लेस देन फाइव हो गया, इससे एम कितना निकल जाएगा आपको देखिए, ये 49 हो गया, ये माइनस फोर एम और सॉरी ये माइनस और ये माइनस काट दीजिए तो 24 आपका 26 इंटू फोर कितना 24 हो गया 24 एम और 24 इंटू फाइव कितना होता है 120 माइनस 120 लेस देन जीरो हो गया, ठीक है कि नहीं। अब इससे जो है आपका क्या करेंगे एम लेस देन फाइव और 24 एम जो है सो लेस देन कितना हो जाएगा 120 माइनस 49 120 से ट्रांसफर कर देंगे तो 120 माइनस 49 हो जाएगा, मतलब क्या हुआ 71 हो जाएगा ये आपका, इसका मतलब एम जो है सो लेस देन कितना हो जाएगा 71 बाय 24 आपका 71 बाय 24 आपका आंसर हो जाएगा, चूंकि एम से एम जो है सो 5 से भी छोटा होगा और 71 बाय 24 से भी छोटा होगा ये आपका ज्यादा छोटा है इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। आप इसको डायग्राम में मैच कराएंगे डायग्राम में भी आपका यही आएगा 71 बाय 24 और 5 ये बोल रहा है कि इससे छोटा होगा ये बोल रहा है इससे छोटा होगा तो कॉमन क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएगा इसलिए ये आपका आंसर होगा राइट। अब देखेंगे ये क्वेश्चन जो है आपका इसमें दिया हुआ है एक्सप्रेशन n minus 2x square plus 8x plus n plus 4 greater than 0 for all f element of R। तो इसके लिए हमको निकालना है कि इसका जो है सो लिस्ट n क्या होगा, तो सबसे पहले जो है सो आपका ये देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये है पॉजिटिव, ठीक है। तो y पॉजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन था आपका बगल नहीं देंगे y पॉजिटिव मतलब कब होगा जब a जो है सो आपका पॉजिटिव होना चाहिए और d निगेटिव होना चाहिए, ये आपका y हो गया पूरा का पूरा x स्क्वायर इसमें है आपको x है इसमें कांस्टेंट टर्म भी है आपका ये क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो गया। क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होता है जबकि उसका a पॉजिटिव होता है और d निगेटिव होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम n माइनस टू को पॉजिटिव करार दे देंगे और यहां पे जो है d कितना है जी b स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस एन प्लस 4 ये आपका निगेटिव होगा, ठीक है कि नहीं। हेयर सॉल्यूशन में लिखेंगे आप ये कंडीशन हो जाएगा a पॉजिटिव और d निगेटिव। इसके बाद जो है तो यहां पे n आपका 2 से बड़ा हो गया, इसमें जो है जब सेटिस्फाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64 में 4 कॉमन कर लेंगे कितना बजेगा 16, इसको गुणा कर दीजिए ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2 तो प्लस 2 और ये माइनस 8 हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा। एन ग्रेटर देन 2 हो गया इसमें आप निकालेंगे एन स्क्वायर प्लस 2 एन और ये आपका उधर जाएगा तो माइनस 8n और माइनस 8 4 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। ये सारे चीजों को उधर लेके ले जाएंगे हम इसलिए कि यहां निगेटिव है तुमको पॉजिटिव चाहिए एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 तो हो ही जाएगा ये प्लस में हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा तो माइनस 16 और माइनस 8 माइनस 24 हो जाएगा। ये आपका जो है फैक्टराइज करेंगे इसको हम लोग पहले कैसे फैक्टराइज करेंगे यहां पे 2 है तो प्लस 6 और माइनस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहां देखेंगे एन ग्रेटर देन 2 और ये जो है आपका एन प्लस 6 इंटू एन माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए तो इसमें जो है आपका फैक्टराइज जब करेंगे और इसका जब हम ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 है या फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकेंड फैक्टर ग्रेटर देन 0 है तो सेकेंड फैक्टर से बड़ा और फर्स्ट फैक्टर से छोटा होता है एन लेस देन माइनस 6 और एन ग्रेटर देन 4 होता है। वैसे भी दो पॉइंट ले लीजिए आप एक पॉइंट आएगा माइनस 6 दूसरा पॉइंट आएगा 4 तो 4 से बड़ा में पॉजिटिव होगा या फिर माइनस 6 से छोटा में पॉजिटिव होगा
और माइनस सिक्स और फोर के बीच में नेगेटिव हो जाएगा ये। तो अब देखिए यहां पे जो है सो फोर से बड़ा और माइनस सिक्स से छोटा में, तो ये पॉजिटिव हो रहा है। तो आपका जो है सो इस दोनों में डायग्राम यदि आप खींचेंगे, सपोज दैट माइनस सिक्स हो गया, ये टू हो गया और ये फोर हो गया। तो माइनस सिक्स से छोटा फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, माइनस सिक्स छोटा होगा और चार से बड़ा होगा, ये क्या बोल रहा है दो से बड़ा होगा। कॉमन कहां पे आ गया, चार से बड़ा में एक्स एलिमेंट ऑफ फोर से इन्फिनिटी हो जाएगा। अब बोल रहा है यहां पे एन जो है, सॉरी ये तो आपका एन पे कंडीशन निकल रहा था ना, ये एन एलिमेंट ऑफ फोर टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहां एन जो है बोल रहा है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो क्या चार को काउंट करेंगे हम, चार यह काउंट नहीं हो रहा, यानी पांच काउंट होगा, छह काउंट होगा, ऐसे करके काउंट होगा। यहां पे एन जो है दैट इम्प्लाइज एन एलिमेंट ऑफ पांच छह सात डॉट डॉट, ऐसे करके आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब लिस्ट एन क्या हो जाएगा, लिस्ट एन जो है आपका वो फाइव हो जाएगा आंसर। ये बात समझ में आई आपको, पांच से बड़ा ही कोई डेयर यहां काउंट होगा, यहां पांच से छोटा डेयर काउंट नहीं। तो ये आपको क्लियर है। इस क्वेश्चन में देखेंगे एफ एक्स दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक कर्व है, इसका जो है आपका ये दिया हुआ है वर्टेक्स और ये दिया हुआ एफ जीरो। तो नाउ सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग कि एफ जीरो इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, टेन, दैट मीन्स सी इज इक्वल टू टेन आपको मिल गया, सी इज इक्वल टू टेन आपको मिल गया। ढंग से लिख देंगे इसको, सी इज इक्वल टू टेन। अब सी इज इक्वल टू टेन मिलने के बाद ये बता रहा है इसका जो है सो ये तो पैराबोलिक कर्व है, क्वाड्रेटिक कर्व जिसको बोलते हैं, पैराबोलिक कर्व बोलते हैं उसको। तो इसका बोल रहा है कि आपका ये क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है। वर्टेक्स जो होता है हम जानते हैं कि कोई भी पैराबोलिक कर्व ऐसे करके मान लीजिए दिया हुआ है, हमको जो है सो पता नहीं अभी ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है कि नहीं। इसका ए जो है यदि पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएगा, ए निगेटिव होगा तो नीचे जाएगा। अभी हम तत्काल कोई एक मान चलते हैं, इसका वर्टेक्स कितना होता है, माइनस बी बाय टू ए और माइनस डी बाय फोर ए। यहां पे दिया हुआ है वी, गिवन गिवन क्या दिया हुआ है जी, माइनस बी बाय टू ए दिया हुआ है तुमको थ्री के बराबर में, और माइनस डी बाय फोर ए दिया हुआ कितने बराबर, माइनस टू के बराबर। अब इसमें हमको सी का वैल्यू ऑलरेडी पता है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे। तो माइनस बी बाय टू ए और नीचे में क्या करेंगे आपका जो है इसको मिटा देता हूं, बोर्ड थोड़ा छोटा है, फिजिकल क्लास रूम होता है तो बोर्ड बहुत बड़ा रहता है नहीं, और उसमें मिटाने का दिक्कत नहीं होता, उधर लिखते उधर मिटाते हैं ना। माइनस बी बाय टू ए और इसमें जो है माइनस डी है, तो देखेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय फोर ए कर देते हैं इसको ना, ये कितना हो जाएगा माइनस टू के बराबर, और ये माइनस बी बाय टू ए कितना दिया हुआ है थ्री के बराबर। इसको फोर ए से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी बाय टू ए इक्वल टू थ्री, इसको डिवाइड करेंगे माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए, और ये प्लस कितना हो जाएगा सी इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। देखिए यहां पर माइनस टू आ गया, अब क्या करेंगे इसको, यहां पे माइनस बी बाय टू ए का वैल्यू थ्री दिया हुआ है, सी का वैल्यू मान लीजिए हम यहां से पुट कर सकते हैं टेन, अब माइनस बी बाय टू ए के फॉर्मेट में इसको लिख लीजिए। तो जैसे माइनस बी बाय टू के फॉर्मेट लिखेंगे, ये माइनस बी बाय टू ए निकल गया तो बचा कितना है इसमें बी, यहां ऊपर में माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस हो गया, बी हो गया, बी हो गया इसका, फोर ए नीचे में है, टू ए तो मेरे पास में आ गया, यहां टू और लेना पड़ेगा हमको। अब प्लस सी का वैल्यू कितना पुट करना है, दस इज इक्वल टू माइनस टू,
अब देखिए इसका वैल्यू जो है माइनस थ्री बाई टू ए का वैल्यू ऑलरेडी कहां है, तीन है, तीन यहां पुट कर देंगे और ये आपका b बाय टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बारह हो जाएगा। इसका मतलब तीन से चार पार्ट में कटेगा ये और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एट हो जाएगा। अब b का वैल्यू जो है इसमें डाल देंगे ऑल्सो माइनस बी बाय टू ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, थ्री दिया हुआ है। इसका मतलब जो है माइनस ऑफ माइनस एट बाय टू ए इक्वल टू थ्री, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 इंटू थ्री सिक्स चार बाय तीन, यानी a बराबर हो जाएगा 4 बाय थ्री। दैट इज ये निकल गया a का वैल्यू, एफ एक्स कितना निकल गया जी, 4 बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस या फिर माइनस बी एक्स प्लस सी कितना दिया हुआ है, या हो जाएगा